गुड मॉर्निंग दगड़ियों, हम आज जा रहे हैं केदारनाथ। तो अभी तैयार हो गए, दिख रहा हूँ सीधा, वरना उठ के बनाता मैं। तो यहाँ पे माता श्री की आज्ञा के कारण हम आज जा रहे हैं। चार बार हमारा प्लान कैंसिल हो गया, पर पांचवी बार में जरा सक्सेसफुल हुआ है। और यहाँ पे चाय आ चुकी है हमारी, बढ़िया गर्मा गर्म चाय, सेब, नमकीन, बिस्कुट। और एक दो तीन, एक मैं चार, एक बबीता पांच, एक दीपक मिलेगा ऊपर से। तो अभी हम खाते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं केदारनाथ की तरफ। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सर। अमृत चोर और ये रानीखेत हम पहुंचने वाले हैं। और रानीखेत में अभी कोहरा लगा हुआ है, हल्का फुल्का क्या गहराई कोहरा है। ये है यहाँ पर, और गाड़ी रुकी है थोड़ा वार्म अप। ये हमारे फोटोग्राफर नीरज बिस्ट और हमारे अमृत चोर को अमृत मिले नहीं, दूर है इसलिए। और बाकी हमारे ड्राइवर साहब अंदर से देख रहे हैं, बेंगलोर से बुलाया भाई ड्राइवर स्पेशली। और विजय भैया क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में क्या कहें, अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं। जन्नत है, जन्नत जन्नत है, कम टू जन्नत। ये वो वाली लाइन क्या कर कर उसने कहता है, नहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल 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 गुजारा है। देखो देखो अब करो ना मुझ पे यूं सितम, जान मेरी जा रही सनम, ओ जान मेरी जा रही सनम। ये सभी फोटोग्राफर हमारे,
रानीखेत, ये है रानीखेत की मार्केट। टाइम पे हम भर्ती देने आया करते थे। हमारे सूर्यदेव, एक दो साल पहले हम यहाँ पर भर्ती देने आया करते थे। अब हम बूढ़े गए हैं। हमारी एज कवरेज क्षेत्र से बाहर हो गई है, तो इसलिए हम भर्ती भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, वरना वैसे मैंने ज्यादा नहीं एक भर्ती दी है रानीखेत में, बाकी मैंने बनबसा, हल्द्वानी ऐसी जगह दी है। यहाँ एक ही दी है, लास्ट भर्ती थी यहाँ जो दी है मेरी भी। बस ये है रानीखेत की मार्केट, सब्जी बाजार ही कहीं एटीएम था। ये है रानीखेत की बाजार, मैं और नीरज साथ घूम रहे हैं। आज हम टूरिस्ट बन गए हैं, पहले हम भर्ती के वो कैंडिडेट, पहले कैंडिडेट बन के आते थे, भर्ती देने आते थे, आज टूरिस्ट प्लेस टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, क्योंकि आज टूर है हमारा, तो घर ही हुआ है, तो इसलिए मेरा तो घर ही हुआ। खैर, अल्मोड़ा रानीखेत में फर्क ही नहीं है कुछ, यहीं पर अल्मोड़ा, यहीं पर रानीखेत। ये हुआ मेहमान, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आते हुए, मुक्तेश्वर से जो आ रहा है। हम जा रहे हैं अभी मनी, पैसा ख़त्म, पैसे निकालने एटीएम में, ज़्यादा निकाल के लाना। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्लॉक के बाद, आपको रूबरू करवाएंगे फिर शहर का। दो दे दो दूध, एक पैकेट और दे दो सीधा फैक्ट्री से। ये अरे यार देखो, फैक्ट्री लगी है यहाँ से, हमने दूध लिया और दूध फैक्ट्री यहाँ पे खड़ी है। सीधा पैकेट दूध लिया। ये है दूध, थैंक यू गांव माता, थैंक यू, आपने दो पैकेट दूध दिया हमें। ये देखो, ये और ये दूध, वाओ, गांव माता ने आंचल दूध दिया, आंचल दूध दिया गांव माता ने। बाय बाय। ये हमारा सोमनाथ ग्राउंड, हम यहाँ पे भर्ती देने आते हैं, हम यहाँ पे भर्ती होती है। चलो यहाँ पे दो राउंड मारने में आपत आ जाती है, वीडियो हो जाता है, वीडियो हो जाता है। वीडियो आ रही है, हाय बोल। हेलो सर, सर ध्यान नहीं, सर जवान यहाँ पर छप्पर लगा दिया है, पहले यहाँ तो अग्निवीर बनेंगे, वो कालिका माता की जय। जैसे ही वीडियो बना दो,
तो दोस्तों हम रुके हैं अभी यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, एक यहाँ पर झरना है बड़ा सा, तो फोटो भी शूट होगा यहाँ पे, आ जाओ। और मैं तुम्हें एक नदी दिखाना चाहूँगा यहाँ से थोड़ी देर दूर, यहाँ से नीचे दिखाई दे रही है पर आगे मौका मिला नहीं। यह है यहाँ से अलकनंदा, इसको अलकनंदा नाम से जानते हैं यहाँ से, आगे को बढ़ेगी देवप्रयाग में मिलेगी, वहाँ से गंगा नाम से इसको जाना जाएगा, क्योंकि यह है गढ़वाल पॉइंट का व्यू, व्यू ऑफ गढ़वाल। और मैं यहाँ पर अभी इस पॉइंट पे हूँ जो ऊपर से झरना आ रहा है धीरे 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 नीचे, तो यहाँ पे दीपक, विजय, बबीता और संदीप चार जने हैं क्योंकि झरने के मजे ले रहे हैं लोग। देखिए जरा ज्यादा ही मजे ले रहे हैं। एक छोटा सा झरना, छोटा झरना सामने। हम रुके हैं अभी खाने के लिए यहाँ पे, अभी हमारा लंच होगा, ब्रेकफास्ट हमने रानीखेत में किया था गगास में, और लंच कर रहे हैं हम अभी यहाँ, यहाँ करेंगे हम लंच अभी एक ढाबे में, एक ही मिला लास्ट ढाबा, रेस्टोरेंट लंच करने, चावल, कढ़ी, राजमा, छोले और रोटी, रोटी ना कढ़ी। ये आ गए हम कर्ण प्रयाग में, मैं क्या था, सोन प्रयाग में, सोन प्रयाग में कौन सा प्रयाग में हम, सोन प्रयाग कौन, सामने कौन सा प्रयाग है, इतनी गंदी रोड हो रही है यहाँ, इतनी गंदी रोड हो रही है इस केदारनाथ के रूट में, मैं बता तो रहा हूँ पर क्या बताऊँ समझ नहीं आ रहा, एक घंटा हो गया हमें, एक किलोमीटर भी नहीं आ रहे हैं, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। तो जो भी आए यहाँ पर ट्रक लेके आए या बस लेके आए वही चढ़ सकती है, इधर छोटी गाड़ी की तो हालत खराब होती है, अगर बाइक लेके आए तो बुलेट लेके आए, बुलेट के लिए ठीक है ये, बाकी स्कूटी वगैरह के लिए रोड जायज नहीं है, पर बुलेट के लिए ठीक है, और छोटी गाड़ी के लिए नहीं हो पा रहा, बाकी ऑल्टो तो चली जाएगी, एवरेज गाड़ी है और बोलेरो भी चली जाएगी, बस बाकी समझदार हो तुम। चम चम करते आंखें मेरी, पढ़े लिखे हो तुम, सब हो जाएगा, चमचमाते मकान दिख ही रहे तुम्हें, वैसे मन नहीं लगेगा तो इनको देख के तब भी लग जाएगा कि सही दिख रहा है करके सामने, बाकी तो ऐसा भी हो, ऐसा भी हो है, क्या बताऊं, नीचे आने तक कोई टाइम नहीं लगा था, बहुत
ये देखो सामने एक चीज और दिखाता हूँ, रंग बिरंगा देखो दीपावली में सजा दिया गया पूरा। होटल है ये, होटल नहीं है, होटल बोलेंगे इसको हम। हमारे ब्लॉग में आप बने रहिए, आपको तो हम बहुत कुछ दिखाएंगे आगे आगे जाकर। अभी पनीर बनाते हुए दिखाएंगे, अभी हमारा कैंप लगेगा, हमारा टेंट लगेगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर सोनप्रयाग में, तो हमारा एक टेंट लग चुका है अभी, और थोड़ी देर में एक टेंट और लगेगा। जी भाई अभी एक टेंट लगा है, थोड़ी देर में दूसरा टेंट भी लगाएंगे हम। तो ये लग गया है, ये कारीगर लगे हैं हमारे। हमारा टेंट लगा सोनप्रयाग में नाइट का, एक दो, एक ये, एक ये। आज का नाइट होल्ड हमारा यहीं पे रहेगा। कल सुबह हमें निकलना पड़ेगा यहाँ पर 3:30 बजे यहाँ से केदारनाथ को, क्योंकि 18 किलोमीटर यहाँ से पैदल है वहाँ, तो टाइम लगेगा। तो सुबह हमें जल्दी दर्शन, शायद कल तो दर्शन हो नहीं पाएंगे, परसों को हो पाएंगे, क्योंकि जाना है 4-5 घंटे का रास्ता है। रास्ता कैसा है, भीड़ इतनी है कि पूछो मत, इधर 1 लाख जनसंख्या होगी कम से कम। और हमारा टेंट अभी लग चुका है, तो ये लग गया हमारा टेंट, इसके बाद हम मिलवाते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अब दिखाता हूँ, अब हमारा टेंट लग चुका है, दोनों छोटा भी बड़ा भी। अब हमारे खाने की तैयारी हो रही है, अब मैं तुम्हें अंदर ले के रूबरू करवाता हूँ। ये एक बैठे हैं भाई साहब, एक ये अपनी बात कर रहे हैं, और होटल लेने का ये अंदर काम चल रहा है, अभी यहाँ पर कटाई चल रही है। सर 1 मिनट रुकेंगे आप, ये अभी यहाँ पर सब्जी काट रहे हैं। पनीर भाई, पनीर कट गया है, ये पनीर कट रहा है, उधर ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर कट रहे हैं, मसाले कट रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारा खाना भी बन जाएगा, और आज की ट्रिप हमारी यहाँ की रहेगी। और ये हमारा खाना बन रहा है, नीचे दिखाओ, ये देखिए एक बार से देखिए। क्या हुआ है, पनीर तो डाला, मसाले नहीं डाले इसमें। अबे पनीर कमी नहीं, फ्राई करने के लिए। अच्छा फ्राई कर रहे हैं, कारीगर है हमारे नीरज बिष्ट, पूर्व उपाध्यक्ष है ये, 2018 में बने थे पदभार, अभी भी इनका नहीं निकला है। पंचवर्षीय योजना है शायद इनकी, ठान क्या है कि पंचवर्षीय योजना हमारी पूरी होगी। और ये हमारे टेंट दो, ऊपर होने को होटल भी है यहाँ पे, ये सामने होटल है, यहाँ पार्किंग है, ये पूरी पार्किंग एरिया है, और ऊपर भी होटल है। तो हम अभी अपना खाने का देख रहे हैं, शाम का अभी हो रहा है हमारा पनीर, क्या हो रहा है, फ्राई हो रहा है। कारीगर साहब क्या हो रहा है, हमारा पनीर फ्राई हो रहा है, अभी फ्राई हो गया हमारा पनीर। आपको तेल काला हो चुका है, जीरा भी काला हो चुका है, तो पानी वाला पड़ेगा, लहसुन पेस्ट भी कर चुका है, और मेरा बनेगा खाना।
अब इनमें प्याज डाल चुके हैं, इसके बाद पड़ेगी क्या क्या कर रहे हो बताते फिर हो ना हमको। आज अभी हमने गार्लिक पेस्ट किया और प्याज फ्राई कर दिया है बढ़िया करके। अभी हम टमाटर डाल के मसाला बनाएंगे भैया। क्या कर रहे हैं आप? उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या हो रहा है? पनीर बन रहा है। पनीर 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 बन रहा है। पनीर नहीं बन रहा, पनीर बन रहा है। शाही पनीर। कौन सा पनीर? शाही पनीर। शाही पनीर ठीक हो गया। एक चम्मच के चक्कर में एक घंटा लेट हुए हम। ये गौर से देखो, इंसान को अभी दिख नहीं रहे होंगे पर ये एक चम्मच वाली ने लेट कर दिया। कह रही है 120 रुपए की चम्मच देंगे, तो इन्हें एक घंटा लगा दिया फिर भी चम्मच लेके नहीं आए। बोले महंगा कह दिया। दुकान में भाई बैठी थी लेकिन हाँ, अगर दुकान में सर बैठे होते तो ये जल्दी आ जाते। दुकान में बैठे थे मैडम तो ये बातों में लग गए। मैडम से गढ़वाल वालों की बातों में फंस गए। यहाँ के गढ़वाली बन गए, परदेसी हो गए। क्या ये अब डालेंगे टमाटर? डाल के ऊपर इसमें क्या पानी मिलाएगा लास्ट में भर भर के? कम कमी डाल दिया, पूरा मत डालो। लाओ मिक्स मसाला दो। ये पड़ा मिर्ची मसाला। पुतलिया भी आ रही है तो ये पनीर तो कम काला पनीर ज्यादा बनेगा, मेरे को ये यकीन है। गरीबी की खुशबू, नीरज का पूरा भरोसा है मेरे को। गरीबी की खुशबू आ रही है। गरीबी की खुशबू, गरीबी की तो नहीं, गरीबी की खुशबू आ रही है मुझे। गरीबी तो है ही अभी, वरना सिलेंडर लेकर आते हैं। हाँ गरीबी तो है फिर भी हमारा काम चलाओ बहुत है, क्योंकि हमने हल्द्वानी से यहाँ पहुँचा दिया तो बहुत है। करंट मार रहा है क्या? ऐसे हाथ हटा रहा है। सिलेंडर बड़ा हॉट, सिलेंडर हॉट हो गया ना, हॉट हो गया है। ये सर ऐसे हो जाता है कभी कभी, जाड़ों के दिनों में हो जाता है, ठंड के दिन है तो ज्यादा हो जाता है। सर ये मसाला हो गया शायद गरीबी आपका। गौर से देखिए हिल रहा है मसाला। नहीं हुआ अभी, ये देखिए खुशबू तो अच्छी आ रही पर हुआ नहीं अभी। ब्रो खुशबू तो अच्छी आएगी, मैंने बनाया वो। इसमें ढक लगा दो, फिर ढक लगा दी, इसका ढक लगा दो, इसका ढक लगा दो। ये हमारा ढक्कन इसका, ये देखो। और अभी आपको बहुत चीज दिखेंगे हम धीरे धीरे। सर आपका पतीला गीला, ये ढक्कन गीला हो गया, इसको देखो उठा के। वाह बन गया, पनीर डाल दिया। ये कारीगर है हमारे पास, देखो अभी या तो पानी पानी खिलाएंगे पनीर पनीर। कोई बात नहीं, हमें बात करनी चाहिए। ये पड़ा इसमें पनीर, मसाले के अंदर पनीर के अंदर मसाला घुसना चाहिए बढ़िया करके, समझे? इसके बाद आते हैं पावर बैंक। मैंने इनको तो दिया था थोड़ी देर पनीर के साथ, इसको हम सोनू दा के पास है, जाके इसके अंदर मसाला। केबल ले लाऊं मैं? यार ठंड हो रही है यार मेरे को तो। कहाँ बना अभी? हाँ बन गया, आ जाओ थाली लेके आ जाओ। ले तो अभी हमारा ये चिप्स बन गया। भैया आप क्या कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हैं? मैं बर्तन धो, बर्तन धो। कौन ये कौन से बर्तन है ये? आपसे तो मैं भाड़ बांध रही हूँ, भाड़ बांध रही हूँ। ये बर्तन तो खुल नहीं रहा, आपसे धोगे क्या? खुल जाएगा, खुलना थोड़ा मुश्किल है, खुल जाएगा सर। आप क्या कर रहे हो? आप पानी डाल सहयोग कर रहे हैं, ये सहयोग कर रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हैं टॉर्च लगा के? मेरी अभी तक तो अंधेरे में वीडियो बन रही थी, मेरे को अभी पता चला मेरे कैमरे में लाइट भी है करके। मेरे पास ये लाइट ब्रो। और हमारे सीनियर सिटीजन कहाँ है? सीनियर सिटीजन सर ये तो खाली है, यहाँ कोई नहीं है। सीनियर सिटीजन ने लॉक कर दिया है अंदर से। कोई बात नहीं, लॉक करो आप, सो जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। नहीं नहीं सो जाओ, सो जाओ। और अभी खाना तो हमारे सब्जी बन गई है, पनीर। कौन सा काला पनीर? कौन सा पनीर ना डाल गया था? काला कट्टा, कच्चा कट्टा, फला कट्टा पनीर। कौन सा सर? ये ले काला कट्टा, नीला कट्टा, पट्टा कट्टा, कच्चा कट्टा, कट्टा पनीर। अच्छा ये वाला पनीर, मेरे को तो नाम याद होता नहीं, इन्हीं का होगा याद। चिमकांडा वाला नाम है? चिमकांडा नहीं, युगांडा का, युगांडा का नाम है। अच्छा अच्छा लो सर मैं उजाला कर देता हूँ, आपका सहयोग मैं कर सकता हूँ। हाँ साहब सीनियर सिटीजन बुला रहे हैं मेरे को, मैं वहाँ जाने का कष्ट करूंगा थोड़ा।
कैमरे के पीठ में क्या कर जाते थोड़ा दिखा के क्या कर काम करते वो मेरा पीछे का दिखा तो नहीं कुछ कैमरा पीछे क्यों लगा देता तू मेरे बार बार भाई समझ लगाया कर आगे लगाया पारिवारिक स्रोत है ग्लैमर लाना चाहता ना ग्लैमर लाना चाहता वैसे सब आगे से सबने बनाया सुदेव कुछ वैसे ऑडियंस भी खेचना चाहता है समझ रहे हो ना समझ रहे हो बहुत तेज हो रहे हो वो भी डाल दे रहे समझ रहे हो समझ रहे हो वाला बीच में डाल हां समझ रहे हो समझ रहे ना ना तो नहीं समझा अरे सब्जी इतनी क्या वो दे साहब यार डाल दे दो है ना दो हां डाल पानी गर्म कर सीधे डाल पानी गर्म कर इसको भिगा दो वहां पानी गर्म कर दे बस वहां पानी गर्म कर दे इसको सीधे डाल देना वो लव लेटर दिया था मैंने वो यार ना मम्मी थैंक यू यार तो इतनी मेहनत से लाओ ना 20 रुपए का है वो मेरे को पता था कोई मार्केट लेके आएगा नहीं अब गैस खत्म हो जाएगी तो इसमें मैगी बनाएंगे फिर हम बहुत चलता है वो एक सिगरेट जला देता हूँ पता है तुम्हें धूम्रपान जो यहाँ दिल को जलाता है पेपड़ा मेरे को दे तुम्हारे वो बटर डाल लेता है यार बटर राइस में नहीं तो बैलेंस होता तेरा ना होता वो भी हो जाएगा चक्कर वहाँ बनाएंगे भाई ना बोल मैगी मैं बनाऊंगा नहीं नहीं मैं बनाऊंगा आप नहीं 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 मैं बनाऊंगा मैं ना ना मैं बनाऊंगा अरे ना 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 तुम यहाँ पनीर खाओ मैं इधर आऊँ यार अच्छे तो नीरज से बनाते हैं अच्छी बनाते हैं कोई क्या आयो गैस फुकरी डाल दो अरे यहाँ पानी डालता मेरे भाई मैं तेल डालता ये वीडियो बननी है आप ब्लॉगर ही ऐसे हो आप ऐसे कौन ब्लॉगिंग कर रहे हैं आई लाइक इट वाह वाह आई लाइक इट मैं क्या मेरे को करती मैं कह रहा हूं तुझे पीछे से वीडियो बननी तो साइड से आना साइड से तो वही करा अरे अभी तो आप खड़े हो ना फिर ये तो आपको हाथ पकड़ के डालना चाहिए ना जो स्टेप्स हो रहे हैं यार तुम्हें याद तो होना चाहिए चलो मैंने नहीं पकड़ रखा मैं ऐसे डाल सकता हूं अब मैंने हाथ में पकड़ लिया तुम वहां से डालो ठीक है अब मैंने ये पकड़ रखा वहां से डालना अगर मैं वहां पर रखती तो पीट दिखाना उसको पीट ही नहीं सीधा गिले गिले क्या कहो यार वीडियो में पानी की गुफा बारिश की गुफा तो सर इसमें थोड़ा सा मोटा हो जाएगा हां बीजा भाई पतला बोलेंगे तो पतला हो जाएगा इसको पानी डालो अब नाप लेना इतनी डालते पानी मैं बता दूं आपको थोड़ा सा पानी कहां है पता नहीं और डालो पानी सर नहीं हो पाएगा गुरु पतला चावल है पानी ज्यादा खाएगा मेरी मानो पानी थोड़ा सा और डालो सर डालो तो सही भैया खुला है फ्राई दान कुकर ना है अरे जैसा भी है अरे जब खुला है तभी पानी डाल दे रहा हूँ कुकर बंद में कम पानी डालते हैं सही कह रहे हो जैसे आदमी है पता नहीं पहली बार बना सही कह रहे हो खाना बनाने को दे दिया अरे मोटे हो जाएंगे चावल पानी अरे जब खुला है पकेगा तो उसमें ज्यादा नहीं लगेगा क्या हो गया इस लड़के को कारीगर साहब आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ से सीख के आए अफगान जलेबी से वाओ वाला हबीबी उधर इसने मटन बनाया सिर्फ मटन बनाया इधर आज ये पहली बार चावल बना रहा है इधर पहली बार ये बना उधर मटन बनाया आपने एक बार ने हमको मैगी खिलाया था हलवा ऐसा काट के खाया था हमने वो काट के खाया था हमने वो अल्लाह हबीबी हमको देगी का हमको देगी हमारा वेन्यू हेड भी बोलता था क्या था इसने मनीष ए दीपक इधर आती तो ज्यादा चंटे करती इसको बाहर भेजती हमसे पिज़्ज़ा मैम से सब रख देना पूरा है ये तो पूरा है तो फेंक मत फेंक ऐसे से पूरा ये पीछे पूरा है मैं वहां डाल अभी यहीं पे रख दो कोई दिक्कत नहीं अभी खाली पूरा पूरा तो कूड़ा इकट्ठा कर देना सारा अगर हमने सॉरी हम उत्तराखंड के हम सब एक ही जगह पर रखेंगे क्रीम पाउडर आ घसने के लिए अरे मैंने प्लेट मांगी तुमने दी नहीं एक प्लेट खा लेना तो दीपक बहुत सुन रहा हूं आज मैं ये हमारा बन रहा चावल कुछ मिनट बाद ये भी बन जाएगा भाई ये बॉबी देओल बॉबी देओल यस यस और सलमान खान का भाई है तू व्हाट एम जोक ब्रो थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको आओ पांचों के पांच घुसे तो कहां से घुसे यहां देखो ये चावल के लिए
ये है हमारे सीनियर सिटीजन, सब बाहर काम कर रहे हैं और ये अंदर घुसे पड़े हुए हैं। खाना खाने के बाद अंदर ये यहाँ से गायब हो जाती है। मेरे टांग अपने आप चीरी थी, तुम अपने टांग संभाल के रखती। त्रिपाल तो है ही, कैंटो के ऊपर भी त्रिपाल डालेंगे। ए अला है बीबी, तुम चावल खाती? ढक्कन दिखाती, चावल खाती, ढक्कन ढूंढती और लगाती। कौन सी ढक्कन ढूंढती हम? बोतल की ढक्कन। वो किसने रखती? हम नहीं रखती उसको। वहाँ देख तो गिनती हिंती कहाँ गिरती, वो इधर इधर नहीं गिरती, हमने जगह जगह देखती उसको। ऐसे में तो आई सकता हूँ। ये सीनियर सिटीजन से पूछती, ये खाना खाती या सो जाती? खाती, सुबह चलती ऊपर को, इधर ना जाती तुम भी, तुम भी केदारनाथ जाती? हाँ, मैं भी जाती। मैं तो सोचती तुम इधर ही तक रहती। हमारा ड्राइवर बन के आता। तुम तो ड्राइवर बन के आते इधर। मैं तो वासुकी ताल तक जाती, वहाँ तक जाती, ठीक होती। वासुकी ताल भी जाती। अभी हम नमकीन नमकीन पनीर खाती, नमकीन खाती, उसमें नुड़ियों कर लेती तू, नुड़ियों पट करती तू, नमकीन पनीर खाती, चावल के साथ लगाती तो बढ़िया टेस्ट आती। नहीं अला हबीबी, बताती तुम खाती, तुम क्या करती है, ये तुम क्या करती? अल्लाह हबीबी, हम नहीं लगाती। अभी खाना खा के जो सुबह का आप लोग कह रहे हैं ना, अभी सेट कर लेना, सुबह सुबह नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सुबह सुबह। वही जो चीज अभी यूज कर रहे हैं ना, बस उतना ही रखेंगे, पैक करेंगे, बाकी सब गाड़ी में ही रहने देंगे। अरे भैया वो पकेगा नहीं, जल जाएगा, थोड़ा पानी डाल दो। हां फिर यार उल्टा करोगे। अल्लाह हबीबी, अगर तुम ये जूता ना रखती अंदर, ये गायब हो जाती यहाँ से, कल सुबह नंगे पाँव जाती फिर केदारनाथ। अरे खा के बाहर आएंगे, सामान सेट करेंगे पहले, खाने के बाद जाती। केदारनाथ में कोई भी कहीं भी कहेगा, हम पहाड़ों में जाके लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या लगाएंगे? फ्रेश फ्रेश होने चाहे, नीचे जाना पड़ेगा, एक किलोमीटर दूर चले जाएंगे, लेकिन टेंट बढ़िया जगह लगाएंगे कहीं देख के। डाल दो मेरा पनीर चटाना, नहीं हुआ कहीं वहाँ फ्रेश होने का नहीं मिला, पहले टेंट लगाएंगे, फ्रेश हुई टेंट उठाएंगे। इसमें चेत भी तो करना पड़ेगा। अबे है ये तबला चेत बाहर को दिखाएगा, यहाँ से बाहर को दिखाएगा, दौड़ लगाएगा, ये साइड साइड ये वाली तबला होगी 10 मिलियन। वीडियो बन गई तुम्हारी, वो था ना ओ मागो ट्रू लव, यहाँ ओ मागो कर दिया सबने। चालू करो ना मेटू आई के खाओ, डाल देना और खाओ, कल टेंट सारा तुमने बल्द जतरा ले जे, वो तो इसको डालोगे या मैं ऐसी हाथ से निकालूंगी? पूरे डाल दे डालना था तो ऐसे ऐसे करके क्या डाल लेंगे, जो भगवान नूर डालो चावल के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय डीपी ब्लॉग्स, एक नए दिन की शुरुआत फिर से। आज 17 अक्टूबर को कर्ण प्रयाग, सॉरी कौन सा प्रयाग है, सोन प्रयाग में यहाँ से एक नए ब्लॉक की स्टार्टिंग होगी। अभी सुबह मॉर्निंग हो गई है, सभी को गुड मॉर्निंग, और ये उड़ गए गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा है बाहर, और हम उठ चुके हैं, अभी बज चुके हैं 5, तो हमें अभी केदारनाथ के लिए निकलना है यहाँ से। तो अब उठेंगे, फ्रेश होंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी हमने टेंट भी पैक करना है, कल बड़ी अच्छी नींद आई टेंट में, एक बात है क्योंकि गर्म तो बहुत था, नदी के किनारे टेंट लगा हुआ है, गर्म था कल रात, बहुत गर्मी मज़ा आया। थोड़ा सा ये हुआ कि सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को बाहर का हाल दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, उठ गए, कैसी रही? बढ़िया रही, नींद आई रात को? मस्त एकदम, तो खाना खा के भूख लग रही है? अरे एक बार सो जाते तो उठाए नहीं उठते। गुड मॉर्निंग, बगल वाले हमारे पड़ोसी भी उठ गए हैं, और अभी सुबह का वेदर ऐसा हो रहा है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ओस पड़ रही है दबा के ऊपर से, ऊपर दिखाओ चांद तारे दिख रहे हैं, चांद तारे दिख रहे हैं, देखो ऊपर चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तो ये है अभी हम, नदी की आवाज आ रही होगी थोड़ा बहुत, और मौसम अभी साफ है, हमें जाना है ऊपर चढ़ाई में। अभी उठ गए हैं सभी, ऐसा मौसम हो रहा, थोड़ा सा उजाला रहे तो हम निकले यहाँ से। तो मैं आप पैकिंग करूँगा, पहले स्लीपिंग बैग पैक कर लेता हूँ, ये है मेरा टेंट, और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
ये इधर से हमारा स्लीपिंग बैग पैक हुआ एक, हम पहले स्लीपिंग बैग पैक करेंगे, इसके बाद फ्रेश होंगे, फिर मुंह धोएंगे। मैं तो नहाऊंगा, मैं नहा के जाता हूँ मंदिर, मैं सुबह सुबह ठंड पानी से नहाऊंगा यहाँ। समझ रहे हो ना, पानी बड़ा गर्म हो रहा है यहाँ पर, गर्म कुंड में भी नहाऊंगा, पहले ठंड कुंड में नहाता हूँ यहाँ सोन प्रयाग में, उसके बाद गर्म कुंड में नहा के ऊपर केदार बाबा के द्वार जाऊँगा, फिर वहाँ बर्फीला बाबा बनना है मैंने, थोड़ी देर बर्फीला बाबा बनूंगा फिर जाके होगा काम। तो एक स्लीपिंग बैग हमारा पैक हुआ और उसके बाद हम दूसरा स्लीपिंग बैग भी पैक करेंगे। ओके भाई, तो यहाँ पे हमारे दोनों स्लीपिंग बैग हो गए हैं पैक, दीपक भाई ने कर दी है पैक और दीपक भाई की है सिक्स एप। दीपक बताते रहे तू के पैक करने कबाल कबाल से हम ब्रेकफास्ट भी वहीं करेंगे ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो दूध लाए थे वो फट गया है, तो कॉफ़ी बनेगी नहीं, बंद ऐसी रह गए, बाकी मैगी भी हम ऊपर ही बनाएंगे कहीं व्यू पॉइंट देख के। तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं आगे केदारनाथ रूट ये। और कल हम लेट पहुंचे तो यहाँ पर ओस से ओस इतनी गिरी थी कि ये पूरा गीला हो चुका है, मिट्टी मिट्टी चिपकी है, थोड़ा सूखेगा तो इसको फिर फोल्ड करेंगे हम। और तो गाइस हमारा छोटा सा ब्रेकफास्ट होने लग गया, ये देखो बर्गर बोलते हैं इसको, हाफ बर्गर हुआ है और डबल चीज लगी हुई इसमें। कौन सा पाव? आती पची खाओ खाओ, आती पची पाव पाओ और इसको खाओ खाओ, आती पची पाव पाओ और इसको खाओ खाओ। अभी नहीं आ रहे हैं, हवाई फैल आया था, अभी दोबारा दिखाऊंगा। अजीब जानवर है, खाते रहता है दिन भर। फिर देखो यहाँ पे घोड़ों की लड़ाई हो रही है, सब लोड हो चुके हैं बिल्कुल मस्त करके। ये देखिए घोड़ा लात मार रहा है, घोड़ा। और ये हेलीकॉप्टर हमें लेना आया था, हमने कहा हम पैदल जाएंगे, हम जा रहे हैं बाय। अच्छा, यहाँ पे घोड़े की लड़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, एक तो इनके घोड़े के मालिक भी बड़े बेकार है दोनों के दोनों। ऐसी तो डाला था, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। एक घोड़ी हमारी, एक घोड़ी भी लग चुकी है यहाँ पे, देखिए घोड़ी में मैं तो बकरी कर दिया, सॉरी मतलब घोड़ी। और ये बोड़ा घोड़े, और ये हमारा बल्द दीपुआ, बल्दों को बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देता है, बल्दों को भी इसने एनसीसी में रहते हुए हमने ड्रिल सिखाई है, बहुत तगड़ी लेफ्ट राइट वाली, बहुत तगड़ी। एक वीडियो वायरल होगी हमारी दीपुआ की बल्दों को घुमाते हुए कुछ टाइम बाद, बहुत खतरनाक वीडियो है, उनकी भी ट्रेनिंग दिखाई जाएगी। कायदे सर चुप तो रही है, हमारा घोड़ा तैयार हो गया, बल्दो रेडी, दोनों घोड़ा रेडी, घोड़ा एकदम रेडी, घोड़ी भी रेडी, घोड़ी तो हम चले अपने सफर को, अभी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है केदारनाथ, यहाँ से पैदल यात्रा है पूरी, ऊपर देखो पहाड़ी और भीड़ इतनी। तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, डीपी ब्लॉग 01।
पैदल यात्रा, थोड़ा रोड भी खराब है यहाँ, कीचड़ कीचड़ युक्त, और सफाई भी कर रहे हैं। तो देखो ये रोज छोटा हो गया कीचड़ सुबह शाम यहाँ। तो जो भी आए सजेशन करूँगा कि बूट पहन के आए, आर्मी शूज होता है उससे कंफर्ट होगा, क्योंकि पानी पानी है पूरे रोड में। और ये हमारे साथी आगे जाते हुए, हम भी पीछे पीछे सामान से लदे हैं पूरे, एक पहाड़ी सब पे भारी बोलता वही है हमारा ये सिस्टम का, अभी पूरे लदे हुए हैं सब पे सब बैग से। और ये लोग तो देखो सामने खाली जा रहे हैं, और हमारे पास सामान है, ये पूरा सामान से लदा हुआ है। तो देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम भी सामान से, अभी तक तो बैठे हैं नहीं, तो अभी 16 किलोमीटर और बचा है केदारनाथ का, फिर मिलते हैं, बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। चले हम हौले हौले, पब्लिक इतनी भीड़ है देखो, और ये भीड़ बरकरार है, पीछे से आते रह रहे हैं लोग। और ये सामने का दृश्य, यहाँ से आ रही है नदी, यहाँ से जाना है अभी 22 किलोमीटर दूर। देखो यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, सिंगल सिंगल करके भेज रहे हैं सबको पीछे, देखो इतनी भीड़ है, कम से कम 10 लाख आदमी होगा इधर अभी, देखो कितनी भीड़, कितनी जबरदस्त भीड़, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो सिंगल रास्ता छोड़ा है दोस्तों। अभी केदारनाथ पहुंच गए, अब यहां से है 8 किलोमीटर दूर, और अभी यहां पर हो रही है बारिश, तो हम थोड़ा वेट कर लिया हमने यहाँ पे, यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, तो सभी लोग यहाँ पर रहते हैं अभी इस्लाम ग्रह पर, बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी, पर नीचे को धूप है, यहाँ से 1 किलोमीटर से नीचे को धूप है, और केदारनाथ के पोर्शन में यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर के अंदर में बारिश, और ऊपर को बोल रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है, और नीचे ये पानी है, पानी तो अभी हमें और चलना है, इस टॉप के लेवल पर चलना है, जो पहाड़ है इस लेवल में जाना है, जिससे केदारनाथ पहुँच जाएंगे। तो अभी बारिश बंद हो चुकी है और हम निकल चुके हैं, आपको दिखाता हूँ आगे झरना, एक मतलब झरना क्या नदी है जो ऊपर से आ रही है केदारनाथ से बहते हुए नीचे को, काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए हमको स्टॉप पर जाना, ऊपर लास्ट स्टॉप, बस वहाँ पर ख़त्म है, वहाँ पर पहुँच जाऊँगा केदारनाथ, पर अभी ऐसे जाना है, ये जा रहे हैं लोग यहाँ से घूम के जाना ऊपर को, यहाँ के रास्ते बने रहे। तो हम पहुँचने वाले हैं, सुबह 6 बजे से निकले हैं, शाम के 6 बज गए, अभी मात्र 6 किलोमीटर बचा है, वो सामने दिख रहा है वो बर्फ पड़ी है, जस्ट उसके नीचे से जाना है हमें, पहुँचने वाले हैं, फिर मिलते हैं आपको, यहाँ के दर्शन कराते हैं केदारनाथ मंदिर के। ये बर्फ पड़ी है अभी, अभी धूप थी, थोड़ा बारिश हुई थी, तो उसके बाद बर्फ पड़ी, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर पे, थोड़ा मंदिर के दर्शन करेंगे बाहर से, कल सुबह फिर दर्शन होंगे, तो मिलते हैं फिर। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं केदारनाथ, अभी मतलब प्रॉपर पहुँचे नहीं है, पहुँचने वाले हैं, सामने देखो बर्फीला पहाड़, काफ़ी मस्त दिख रहा है यहाँ से भी। तो इतना और चढ़ना है ऊपर टॉप में, जहाँ सबसे ऊपर लाइट दिख रही है, हेलीपैड है वहाँ पे, उसके ऊपर से मंदिर, वहाँ जाना है, जहाँ ऊपर बर्फीला पहाड़ देखना, जस्ट उसके नीचे से केदारनाथ मंदिर है। तो हम सुबह अभी 6 बजे से निकले हैं, और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं, तो
तो अभी पहुंच रहे हैं, अभी यहाँ से भी है कम से कम 5 किलोमीटर और, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ मंदिर। बड़ी खुशी हो रही है यहाँ के, बहुत खुशी। रास्ते में तो थकान लगी थी पर यहाँ मंदिर देख के थकान भी मर गई। आपको मंदिर के दर्शन करता हूँ, जा रहे हैं हम। वाओ, आई लाइक इट, बहुत खूबसूरत, सपनों से सुंदर। जय बद्री विशाल, जय बाबा की। फाइनली पहुंच गया हूँ मंदिर पे, बड़े कष्ट के बाद। सुबह से निकले हुए थे, अभी पहुंच रहा हूँ, तो बड़ी खुशी हुई आके, पूरी थकान मिट गई मंदिर पे आके। अब ये है यहाँ का दृश्य, और अब हम यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। यहाँ पे ये तंबू लगे हैं छोटे छोटे रहने के लिए, और तो हम भी यहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे। ये जगह खाली है, यहाँ पर लगाएंगे अपना टेंट, तो बने रहें। बाकी दर्शन कराते हैं आपको एक बार मंदिर के चारों ओर का, चारों ओर ये ऊपर वैष्णो देवी रास्ता भी गया पीछे से, और ये है केदारनाथ। जय श्री शंकर। दोस्तों ये है केदारनाथ, और ये है हमारा आज का बसेरा। मैं यहाँ पर लगा टेंट, दो टेंट लगाए आज भी, ये और ये, और यहाँ पर बन रहा हमारा खाना। अभी का खाना होने को तो हम खा के आए थे, पर अभी थोड़ा बहुत और तो मैं बन रही है। खाना हमारा उसके बाद जाएंगे पूजा मंदिर पे फोटोशूट करने, उसके बाद कल सीधे सीधे आते हुए आगे ये है मॉर्निंग का व्यू ऑफ केदारनाथ, ऊपर बर्फ के पहाड़ और नीचे मंदिर, और फिर इस पहाड़ों में बर्फ पड़ी है। बर्फ पड़ी है रात को, कल तो थी आज पड़ी हुई, और ऊपर से एक झरना आ रहा है बर्फ के पहाड़ है नीचे से। और जब बहुत पहले एक बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में जो पत्थर आया था वो ये है सामने, और पढ़ाई तो बहुत तकलीफ थी पहले यहाँ पर, देखो सारा गायब है यहाँ पर। अभी दोबारा मकाने लग यह है हमारा रहने का बसेरा, टेंट। दो तंबू लगाए हैं यहाँ पर, एक तंबू लगाया है, ये तंबू लगाया है। और आपको एक वो पत्थर दिखाता हूँ जो ऊपर से आया था, उसका नाम तो मेरे को पता नहीं, पर जब 2013 में यहाँ बाढ़ आई थी तो इस पत्थर के कारण ही मंदिर बचा हुआ था। यह है वो, इसमें सिक्के चिपका हुआ है। तो अब हम तैयार हो चुके हैं सबके सब फिट, और हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। आगे ये लोग जा रहे हैं,
और ये मंदिर, तो मिलता है। तो ये गए हम ये मंदिर, अभी हमने पीछा भी लगाना है बाबा केदार वाला, ये हम प्रसाद लेते हैं। ये प्रसाद की दुकान, प्रसाद की दुकान में थोड़ा केदार बना हुआ है। इसमें तो यही है, सही होगा। ये क्या है? जय श्री केदार। तो ये केले चुका हूँ प्रसाद, अभी चढ़ावा के लिए बना कर कुछ ही टाइम बना भेंट मानिए बाबा जी। बर्फबारी स्टार्ट, ये बर्फ पड़ने लगी है केदारनाथ में और हमारी भी पैकिंग हो गई है और हम जाएंगे यहाँ से। ये बर्फबारी ऊपर पहाड़ में बर्फ ही बर्फ, बहुत तेज बर्फ होने लगी इधर। तो फाइनली हम अब जा रहे हैं वापसी और सबकी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है और हमारे टीपी ब्लॉग वाले को देखिए जरा इनकी तो अच्छे से वार लग चुकी है। तो बोले अभी बनाता हूँ ब्लॉग, इन्होंने हार मान लिया बिल्कुल खतरनाक तरीके से, पूरी वार्ड लगी। कुछ कहना चाहेंगे टीवी ब्लॉग्स के मालिक साहब? देखिए तो इनकी जवान भी नहीं खुली है बिल्कुल भी। तो आखिरकार हमारा सफर पैदल 32 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया। ओके, मिलते हैं आगे जहाँ पे टीपी भाई को एनर्जी मिल जाएगी, उसके बाद ही बात करेंगे। ओके बाय। दीपक आज किसके साथ सोएगा तू? आज किसके साथ? वैसे दोनों तो हमारे बगल में सो गए, तो तुम दोनों बाहर जाओ। उसको क्या हो गया? ये क्या चल रहा है? अब इनके साथ में सो। अच्छा कल रात की घटना तो पता क्या किया तेंदुए ने तेरे साथ? तेंदुआ कान में धुआं कर रहा है और तू बोलते क्यों रात को ऐसा? मतलब मुझे क्या पता क्या हो रहा है? एक बार तो दिन की जितनी भरा से सब निकाल लो। मैं नहीं करूंगा क्या।
आज हमारी बबीता ने भी साबित कर दिया हमारी छोरों से कम नहीं है। चल गई बबीता, चल गई अपनी बबीता। नानी को बजाते क्या भाई? ये होटल के कमरे, आज के लिए हमने होटल लिया, बड़ी आ गया। मैं घूमने में चल रहा हूँ, जमीन के बारे में तेरी जमीन के दाना टेंट लगाया जमीन थी, मेरी जमीन थी पांडानी उसके बगल दीपकनाथ उसके बगल में बड़े भाई की थी। कौन से बड़े भाई? अरे अभी तो तेरे पापा के नाम पे होगी जमीन हमारी, मतलब हमारी तो पापा भी है ना, दो भाइयों का अलग करना चाहिए। अभी तो बाजू भी है, बाबू है, अभी क्या है, अभी तो हमारा ताऊ टाइम ही नहीं हुआ है, थोड़ा वो खानदान है उसमें बंटवारा नहीं हुआ है। सबको केदारनाथ ले जा भाई, हमारी अच्छी यहाँ दो सौ स्क्वायर फीट में पागल है क्या? ऊपर को दिखाई थी तुमने मैंने अरे वो जिसमें बाढ़ आ गई थी, बाढ़ से दबा हुआ है ना, खाली करेगा तब दिखेगी। साफ करी उसके बाद कब्जा करूंगा देख लेना, कब्जा करूंगा क्या पता मैं अच्छा फोन आ गया रास्ते में रुक गए अभी तो तेन भी आवाज निकली रास्ते में रुक गए हैं होटल पर। रुद्रप्रिया अभी सबके होंठ फट गए यार, मेरे फट गए, सबके होंठ चिमड़ गए। बबीता को आगे नींद, बबीता खाना खाने के साथ आ रहा, खाना खाने बेटा अभी उठ जा, सुबह निकलेंगे 7-8 बजे। दिखाए तो अभी देखिए भाई गोरे थे, चमचमाते हुए वो तो गोबर, वो तो सबकी लगा भाई वो, ये देख मेरा देख, तो मेरा देख, मेरा देख, मेरा देख, तो मेरा देख, कहीं वो पुराना आइटम कहा है, क्या है, क्या है साहब है भाई भाई टांग में दर्द होती हुई मेरा, वो किधर वाला है कद्दू है, खाली मत बोल, मत सो तू बाहर जा, तू बाहर जाता गाड़ी में, गाड़ी की साइड वही तौलिया भी है, आ जाओ। तो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है बढ़िया वाला, जमा जम मुझे खाना लेके आए, वाह वाह भाई। दीपू भाई क्या क्या मंगाया तुमने? भाई साहब अरे भयंकर, अरे रुक रुक रुक, ये क्या काय का पनीर, बटर मटन पनीर है, मटन ओहो सही है। तो कह रहा था बढ़वा देंगे, बोल रहे एक और मंगा दे, एक और ला दो कहेंगे, और यहां पे एक जने का खाना लाए, ओए डालते खाने का पे बुरा डालो, बुरा जब डालेंगे आएगा कंटेंट भी इतना ही दाल नहीं आ रहा, दाल कैसे पता खाता है दाल मखनी यार, रोज तो इसी वक्त की दाल मखनी अलग होती है भाई, घर में दाल मखनी बनती है ना, मैं मंगाता हूं या चिकन बनवाता भी, चिकन था नहीं कटवाता मैं जंगल से ढूंढ के लाता, नहीं था तो मैं ही चिकन ढूंढ रहा था, जंगली मुर्गी ढूंढ के लाता, बोल जैसा है तो मैं था ध्यान बताया उसमें लिस्ट में नहीं था, नहीं तो मैं ढूंढ के लाता, अंडे चिकन चाव अंडा नहीं होगा, खाली पानी क्यों ला रहे मुंह में, छोड़ो जोनिए नहीं ले दो, पानी आ रहा है, तेंदुए को अंडा खाना है, चल डाल तो कटोरी में डाल दे, गीजर ऑन था उधर, तो यहाँ पे बटर रोटी और पनीर आ चुका है,
दीपक भाई खा रहे हैं भावक। बहुत भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख, आज हो गए कम से कम खाया हुए 10-15 मिनट हो गया। ये देखिए सबने बिल्कुल जोर लगा रहे खाने में, तीन बार ज्यादा खा रहे हैं क्या? तेंदुआ आया, तेंदुआ घर नहीं आ रहा, दाढ़ी भी तेंदुआ है, लालगट दाढ़ी। ये दोनों बहुत समझदार है। हेलो, अभी हम खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, जोर लगाते हैं। गौर से देखिए, हमारा तेंदुआ यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। देखे नहीं, सुनने को मिलेगा घुराट ने। ये देखो तो चला है फोन, ये बागी हो यार, फोन भी बंद नहीं है। इन्हें कल रात मेरे को सोने नहीं दिया, ऐसा कर करके फोन खुला है, अब फोन खुला है, बताऊं ये भाई साहब।